नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक कुमार और स्वागत है आप सभी का विधि ज्ञान बाय दीपक कुमार के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस टेस्ट 2008 के सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर को देखेंगे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 2008 में कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों, अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इससे पहले जो है क्वेश्चनों नंबर की संख्या जो है 175 हुआ करती थी। तो आइए हम देखते हैं 2008 की क्वेश्चंस और उसके आंसर को। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 2008 से लेकर 2020 तक के सभी प्रश्न और उसके आंसर आपको मिले वीडियो के रूप में, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 2008 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हु इज़ द प्रेजेंट चांसलर ऑफ जर्मनी। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजेला मार्केल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना वाज रोस्ट हिट बाय द अर्थक्वेक ऑफ मे 2008। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिचुआन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज इज नॉट अ स्पेस स्टेशन प्रोग्राम। तो वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का बी, यानी कि सोयूज। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज अ जेनोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का सी, यानी कि ए पर्सन, सी नंबर, ए पर्सन हु स्टडीज एंड ट्रेसेज फैमिली लिग्नेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ जेरियाटिक्स, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वेयर द रेसिपेंट्स ऑफ द 2007 नोबल प्राइज फॉर पीस। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ए, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी IPCC एंड अल गोरे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियर ओपन यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगेंस्ट जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैटमैन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिपिक्शन ऑफ द कॉमन मैन थ्रू हिज कार्टून स्ट्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि R.K. लक्ष्मण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कार्निवोरियस प्लांट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का डी, यानी कि पॉइजन IVY। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टैंडर्ड इन्फेंट्री राइफल ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का सी, यानी कि INSAS। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैक्यूरल इज अ यूनिट ऑफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का बी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू एबोलिश कैपिटल पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेनेजुएला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विथ व्हाट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिसवेस्टिंग ऑयल स्पिल इन टर्म्स ऑफ डैमेज कॉज टू द एनवायरमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सोन वर्ल्डेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज अ प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एन ऑटोमोबाइल रनिंग अल्टरनेटली ऑन बैटरीज एंड गैसोलिन इंजन एज रिक्वायर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टीफन हॉकिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर, यानी कि द स्केनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, द स्केनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गार्जियन टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिलेट टू अ कंपनी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्क्लोजर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिलेट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द अडल्ट सरफेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर
और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, आई कैन से दिस डैश डैश ऑन हिज फेस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश डैश MBBS डॉक्टर इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट डैश डैश असर्टेन। इसका राइट आंसर रहेगा 23 का सी यानी कि इंडूरिंग, सी यानी कि इंडूरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ही इज सो डैश डैश ऑफ हिज ऑन इंटेलिजेंस डैट ही विल नॉट इंटरटेन एनी सजेशन फ्रॉम अदर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन मोल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, ही वॉज अबाउट टू मूव हिज बाइक इन टू द कंपाउंड ऑफ हिज अपार्टमेंट वेन अ प्रेसर बाई डैश डैश डाउन टू मोटर बाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉक्ड, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है, द सिक्योरिटी ऑफ द मिनिस्टर हैज़ बीन डैश डैश अप फ्लोइंग एंड अटैक्ड एट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी सॉरी बीफ्ड बीफ्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग जो है वो होगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्वेलरी, जे ई डब्ल्यू ई डबल एल ई आर वाई ज्वेलरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि प्रीवेलेंट यानी पी आर ई वी ए एल ई एन टी प्रीवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 29, पोएट्स ऑफन राइट इन अ डैश डैश मोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि रिफ्लेक्टिव, पोएट्स ऑफन रिटेन इन अ रिफ्लेक्टिव मोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, योर रिमार्क इज वाइड डैश डैश द मार्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑफ, योर रिमार्क इज वाइड ऑफ द मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ए पेंडोराज बॉक्स इज सो कॉल्ड बिकॉज डैश डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इट कॉन्टेंस ऑल द गिफ्ट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वन ऑफ द बॉयज इज एबसेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनमोहन सिंह। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज एनाग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द रिजल्ट ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ वर्ड और फ्रेजेज टू प्रोड्यूस अ न्यू वर्ड और फ्रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स थ्री मैन इन अ बोट एंड आइडल थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेरोम के जेरोम। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु क्रिएटेड द पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर जीवेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पी जी उडे हाउस। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एग्रीमेंट विथ डैश डैश। इसका राइट आंसर होगा 38 का सी यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, मेटल्स डैट कैन बी इजिली बीटेन इन टू शीट्स आर नोन एज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मेलिएबल। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाई डज अ फ्रेशली कट एप्पल चेंज कलर आफ्टर सम टाइम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्लोइंग द 2008 जनरल इलेक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी यानी कि 48 का सी यानी कि यूसुफ रजा गिलानी। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडमिरल सुरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज उबी जस इबी रेमेडियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
यानी कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मिलिट्री ऑनर्स इज मैच्ड इनकरेक्टली। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी, यानी कि लीजन ऑफ ऑनर जर्मनी, लीजन ऑफ ऑनर यानी कि जर्मनी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द अमेरिकन रिवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बैटल ऑफ गेटिसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओ हेनरी। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु इज द प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोंडोलीजा प्राइस, कोंडोलीजा राइस। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इसरोज अप्रैल 2008 रॉकेट लॉन्च इज इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, ईच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनालिटीज वेयर विक्टिम्स ऑफ असैसिनेशन एक्सपेक्ट वन मार्क ऑन द वन मार्क द वन। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुल्फिकर अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच इज द करेंट 5-ईयर प्लान फॉर इंडिया। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11th 5-ईयर प्लान इन 2008। ये 2008 का क्वेश्चन है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स कंसेरिंग द राज्यसभा इज इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री सोमनाथ चटर्जी इज इट्स प्रेजेंट स्पीकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, इन हुज प्रेजेंस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब्सक्राइब टू द ओथ ऑफ अफर्मेशन। इसका राइट आंसर रहेगा आपका 52 का राइट आंसर रहेगा आपका डी, यानी कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53 है, यू परचेस्ड अ मोबाइल फोन हैंडसेट विच स्टॉप्ड वर्किंग इन इट्स गारंटी पीरियड। द मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर इज रिफ्यूजिंग टू रिपेयर और रिप्लेस द सेम। What would you do to get justice quickly? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का ऑप्शन नंबर सी, अप्रोच द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड रेसल फोरम। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रिंसिपल दिया है इसमें कि नो पर्सन शैल बी प्रोस्टिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। उसके बाद फैक्चुअल सिचुएशन जो है वो दिया है, ए अ क्लेप्टोमैनिक वाज एन एक्विस्टेंसेज of B and used to visit B's home on weekends. One day B was unable to find his watch after a visit from A. Ultimately B informed the police about the missing watch and the person who had been to his room. The police among others made a search on person of A and found the watch in his pocket. As at his trial the court found him guilty to theft guilty of theft and sentenced him to 3 months in prison. After completing his sentence, A went to B's home to apologize for his conduct. After A left, it was discovered that B's watch was missing. A informed the police who located the watch from A's home. Can A be prosecuted for theft? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका राइट आंसर है आपका सी, यस ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ही वाज कमिटेड टू सेपरेट एक्ट्स ऑफ थेफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रिंसिपल इसमें भी दिया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटोक्सिएशन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और डैट ही इज डूइंग वाट इज आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। Provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Factual situation दिया है, A was having to get together with his old friends and on his friend's suggestion he consumed some alcohol on his way back to home at night. A heard some footsteps and turning back he imagined he saw a figure moving towards him with a spear.
इनफैक्ट इट वॉज ओनली अ मैन बी विथ एन अम्ब्रेला हु वॉज टेलिंग ए टू वॉल केयरफुली सिंस ए अपियर्ड टू बी अनस्टेडी हाउएवर ए प्रोसीड टू अटैक बी विथ एन आयरन रड लीडिंग टू ग्रेव इंजरियस टू बी इज ए गिल्टी ऑफ कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट टू बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यस ए इज गिल्टी बिकॉज ही गोट इंटॉक्सिकेटेड वॉलेंट्रीली एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ हिज वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन ही अटैक एंड कॉज्ड ग्रेवियस इंजरी टू बी हु पोज्ड नो थ्रेट टू हिम इन फैक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है जिसमें प्रिंसिपल दिया है, इसमें भी प्रिंसिपल है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिज प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट रॉबरी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द रॉन्ग डोर इफ द पर्सन एक्सरसाइजिंग द राइट एप्रीहेंड्स दैट डेथ और ग्रेवियस हर्ट शैल बी द कंसिक्वेंस इन सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। फैक्चुअल सिचुएशन दिया हुआ है एज कैटल वॉज बींग रेगुलरली स्टोलन एंड ए वॉज अनेबल टू अप्रीहेंड द थेफ वन नाइट ए फाइनली मैनेजेज टू कैच बी अनटेइंग हिज काउ फ्रॉम हिज काउ शेड अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस ए स्लोली क्रेप्ट अप टू बी एंड स्लैश्ड हिज नेक विथ अ सिकल लीडिंग टू द डेथ ऑफ बी इज ए गिल्टी ऑफ द ऑफेंस इज कपेबल होमिसाइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यस ए हैड नो रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट ए कुड सफर एनी ग्रीवियस हर्ट इफ ही डिड नॉट किल बी। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ बायोलुमिनेसेंस। इसका राइट आंसर होगा आपका 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रैटल स्नैक। इसका क्वेश्चन नंबर 58 है हु वाज द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेनियस टीटू। क्वेश्चन नंबर 59 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 60 है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विजय केलकर। क्वेश्चन नंबर 61 है बी ऑफ पिग्स इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी द इन्वेशन ऑफ कुबा बाय कुबियन एक्साइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है हु वाज नोन एज द डिजर्ट फॉक्स। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इरविन रोमेल। क्वेश्चन नंबर 63 है द इको मार्क इज गिवेन टू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इको मार्क। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन द नेचर ऑफ अ रिट इशूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि रूल निसी। क्वेश्चन नंबर 65 है हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुइस 16। क्वेश्चन नंबर 66 है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि आर्टिकल 141। क्वेश्चन नंबर 67 है विच कंट्री रिसेंटली प्लांटेड अ फ्लैग ऑन द सी फ्लोर एट नॉर्थ पोल। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रसिया। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इजली डाइजेस्टिबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर विच कंट्री इज इंटर्ड इन टू द पंचशील सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट वाज द लिब्रिहान कमीशन ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टू कंडक्ट
to conduct an inquiry into the demolition of the Babri Masjid in 1992. Question number 71 है, which organization of the United Nations has child welfare as its primary goal? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ गार्लिक? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ईयर वाज द सूज कैनाल ओपेंड फॉर नेविगेशन? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1869। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट इज द वाटर कैनल सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम श्रीलंका नोन एज? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाल्क स्टेरिएट। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडिया। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डू नॉट फॉल विद इन द कलेक्टिव एक्सप्रेशन यानी सॉरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ डू नॉट इंटाइटल अ पेरेंट टू मेंटेनेंस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन विच कॉन्टेक्स्ट वाज द टर्म जुडिशियल ऑपरेज यूज्ड रिसेंटली? 78 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी द एक्सपेंडिंग रियलम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जस्टिस ए आर लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फ्लोइंग जजमेंट्स हाईलाइटेड इन द मीडिया वॉज नॉट डिलीवर्ड इन द ईयर 2007? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहोल्डिंग 27% कोटा ऑफ फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 81 है, अप टू व्हाट एज डज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ट्रू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट रिपील्ड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। चलिए राइट, क्वेश्चन नंबर 83 है, हु इज नोन एज द फार्मर ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1872? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड मैकॉले। क्वेश्चन नंबर 84 है, हु अमंग द फ्लोइंग जजेज गिव अ डिस्टेंटिंग ओपिनियन इन द केस ऑफ ADM जबलपुर वर्सेस शुक्ला ऑल्सो नोन एज द हैबियस कॉर्पस केस? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जस्टिस एच आर खन्ना। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन एनी 39th अमेंडमेंट एक्ट? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इट एमेंडेड आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, ए प्रोविजन इन अ स्टेटू प्रिटेंडिंग टू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वॉज स्ट्रक डाउन बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2008 एज बींग अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटूस कंटेंट डैट प्रोविजन? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, हु वॉज अपॉइंटेड बाई द NDA गवर्नमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी जस्टिस MN वेंकटाचले। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच कंट्री ओन डेविस कप इन डिसम्बर 2007? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन विच टाउन वाज राजीव गांधी असिस्टेंटेड? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्री पेरुम्बदूर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वॉज नॉट इन द टॉप 10 ऑफ द फोर्ब्स 2007 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिलरी रोदाम क्लिंटन, यानी हिलरी क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्वियल वर्टेब्रेट इन ह्यूमंस। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच प्लेस इन चाइना इज एसोसिएटेड विद अ सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट इन 1989। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइनन मेन स्क्वायर। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी विद डिड रजिया सुल्तान बिलोंग टू। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लेव डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 94 है, विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 95 है, इन विच पुलिस स्टेशन वॉज द FIR रिलेटिंग टू द एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी रजिस्टर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 552। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिनक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 99, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए जजेज मिस क्लेनी। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका राइट आंसर आपका बी, यानी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 101 है, हु वाज द जज हु हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स वेयर नॉट अमेंडेबल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जस्टिस के सुब्बाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, अंडर विच लॉ अ माइनर इज इनकैपेबल ऑफ इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वेश्चन नंबर 103 है, द प्रोहिबिटेशन अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज हैज बीन प्रोवाइडेड। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एज अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, हु हैज पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइज ऑफ इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, द राघवन कमिटी रिलेट्स टू ऑप्शन बी, यानी कि रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, डी के वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल डील्स विथ। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेफ गार्ड्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, इन विच लैंडमार्क जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले डाउन गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, टू हुम डज द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान रिलेट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, विच मुगल एम्पायर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको देन। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, द ट्रेड प्रैक्टिस नोन एज मिनिमम रिसेल प्राइस मेंटेनेंस
इज प्रोहिबिटेड बाई, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनोपोलोसिस सॉरी मोनोपोलाइज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द ऑफिशियल चाइनीज न्यूज एजेंसी नोन एज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉरी जिनुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, द वर्कर्स पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट डैश डैश और चेंज इन मैनेजमेंट पॉलिसीज, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 114, द प्राइवेट डिफेक्टिव डिलीवरी लेटरी चूज डैश डैश क्लोथेज, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉन डिस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 115 है, द शिप मैनेज टू सर्वाइव द नेस्टी वेदर बाई कास्टिंग इट्स गुड्स ओवरबोर्ड बट दिस डैश डैश विल पोज अ न्यूसेंस टू द रेसिडेंट ऑन द शोर, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जेटसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, द पुलिस इन्वेस्टिगेटर ट्राइड हार्ड टू डैश डैश सम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द क्रिमिनल बट द क्रिमिनल रिफ्यूज टू डिब्ल्यूज एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज डैश डैश ऑपरेशन, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, द मिनिस्टर्स स्पीच मेड डैश डैश टू द अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट अ सिनोनिम टू द वर्ड प्रोसियल, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रीफेरेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 119, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट अ सिनोनिम टू रिलेट टू द वर्ड पार्सिमोनियस, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्रीमोनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, ए ड्राइव्स 30 किलोमीटर साउथ देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम हियर ही ड्राइव्स 20 किलोमीटर फाइनली टर्निंग लेफ्ट ही ड्राइव्स 30 किलोमीटर हाउ फार इज ऑफ ए फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन, इसका राइट आंसर होगा आपका 120 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ए इज मोर हार्ड वर्किंग देन बी बट ही इज नॉट अ हार्ड वर्किंग एज सी, डी इज लेस हार्ड वर्किंग देन सी बट मोर हार्ड वर्किंग देन ए, इफ सी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हु इज द लीएस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ देम, 121 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, इन द क्वेश्चन बिलो आर गिवेन टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाई फोर कंक्लूजन्स नंबर्ड 1, 2, 3 and 4, यू हैव टू टेक द टू गिवेन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स, रीड द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवेन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो द टू गिवेन स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स, स्टेटमेंट दिया हुआ है ए ऑल स्टेटस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ आर लॉ ऑफ द लैंड, बी जजेज मेड लॉ इज लेड डाउन बाय द कोर्ट, कंक्लूजन वन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेटस, कंक्लूजन टू है बोथ स्टेटस एंड जजेज मेड लॉ फ्रॉम द लॉ ऑफ द लैंड, थ्री है कोर्ट्स मेक स्टेटस, फोर्थ है जज मेड लॉ इज सुपीरियर स्टेटस, इसका राइट आंसर है आपका 122 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली टू फॉलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है, द यूएस ईयू सेफ हार्बर अरेंजमेंट रेफर्स टू, 123 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एन मेथड ऑफ फॉर यूएस कंपनीज टू एडहेयर टू प्राइवेसी प्रिंसिपल ऑफ द ईयू लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ पेरेंट इन रिस्पेक्ट
ऑफ बासमती राइस एंड नीम टू यूनाइटेड स्टेट्स बेसेट फॉर्म्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाट मे बी टर्म्ड एज। इसका राइट आंसर है 125 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी यानी कि बायोपायरसी। क्वेश्चन नंबर 126 है विच वॉज द फर्स्ट स्पेस शटल टू मेक अ सक्सेसफुल फ्लाइट आफ्टर द कोलंबिया डिजास्टर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड इन द फ्लोइंग लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मगधी संस्कृत ग्रीक एंड एरामिक। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द फर्स्ट टू एक्वायर अ सुपर जुम्बो एयरबस A380। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर आया 129। हु अमंग द फ्लोइंग इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन नेशनल कांग्रेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जोकोब जुमा। क्वेश्चन नंबर 130 है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर द ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 131 है विच ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल डोनर टाइप। इसका राइट आंसर होगा 133 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 132 है हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ई श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 व्हाट डज टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स इन पॉपुलर फिक्शन रेफर टू। इसका राइट आंसर है आपका 133 का ऑप्शन बी यानी कि एन इंडिविजुअल मे बी गो बैक इन टाइम एंड एक्ट इन सच अ वे डैट हैज टू चेंज द कोर्स ऑफ द नेचर। क्वेश्चन नंबर 134 है विच वॉज द फर्स्ट न्यू सोवरीजन स्टेट ऑफ द 21st century। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईस्ट टिमोर। क्वेश्चन नंबर 235 है विच ऑर्गेनिज्म डिड थॉमस मॉर्गन कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ 1933 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर आइडेंटिफाइंग क्रोमोसोम्स। इसका राइट आंसर है आपका 135 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रूट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 136 है व्हेन वाज द फैकल्टी ऑफ लॉ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 137 विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द अल्पास रेंज। इसका राइट आंसर है आपका 137 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउंट ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 138 है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग नॉमरस कॉपीराइट इन्फ्रिगमेंट लॉसूट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु शेयरिंग म्यूजिक ऑनलाइन। इसका राइट आंसर है आपका 138 का सी यानी कि रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 139 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसका राइट आंसर है आपका 139 का डी यानी कि बोथ ए एंड बी राइट टू प्रोवाइड प्राइवेटी और राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 वेयर वॉज द 13th आसियान समिट हेल्ड। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर। हु वॉज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। इसका राइट आंसर होगा आपका 141 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉरियस गेवर। क्वेश्चन नंबर 142 है विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ नेपच्यून। इसका राइट आंसर है आपका 142 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रीटोन। 143 का क्वेश्चन है विच एंशियंट रोमन सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द इरप्शन ऑफ माउंट वेसिविज। इसका राइट आंसर है 143 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोम्पेई। क्वेश्चन नंबर 144 है विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडीज इज इंटरेस्ट विद द स्टेटरी ड्यूटी ऑफ लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड
एटीक्यूट फॉर एडवोकेट इन इंडिया। इसका राइट आंसर है आपका 144 का बी, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 145 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, इलेक्टेड बाय ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, रूल ऑफ लॉ मीन्स, रूल ऑफ लॉ मीन्स होता है ऑप्शन ए, यानी कि ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 147 है, पॉइंट आउट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु वॉज हेल्ड डिस्क्वालिफाइड टू रिमेन एज मेंबर फॉर हैविंग हेल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जया बच्चन, जया बच्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक 254th इन टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ द ईयर 2007। इसका राइट आंसर होगा आपका 148 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है, फाइंड आउट द इनकोरेक्ट पेयर, कॉन्ट्रैक्ट आइज, जॉइंटिस लीवर, न्यूमोनिया लंग्स, पायरिया बोन्स। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायरिया बोन्स। क्वेश्चन नंबर 158 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिम्पटोम ऑफ हार्ट अटैक। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेन इन लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, 11th मे इज सेलिब्रेटेड एज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजी डे। क्वेश्चन नंबर 160 है, ए कंज्यूमर कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डैश फ्रॉम द डेट वेन द कॉज ऑफ एक्शन एरोज। 160 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 161 है, ए गैस इंजन वाज इन्वेंटेड बाई। 161 के राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाइमलर। 162 का क्वेश्चन नंबर है और इसमें लिखा है, द सेफ्टी फ्यूज वायर यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज मेड ऑफ मेंटल ऑफ लॉ। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 162 मीटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, केमिकली ड्राई आइस इज ड्राई आइस एट सू जीरो टेम्परेचर इन फॉर्म्ड फ्रॉम प्योर डिस्टिल्ड वाटर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड सल्फर ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा आपका 163 का, 163 का ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 164, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 164 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। नेक्स्ट है, द रेजोल्यूशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म वॉज पास्ड बाई द यूनाइटेड नेशंस सब्सिक्यूटेड टू टेरर अटैक ऑन WTC एंड पेंटागोन इन। राइट आंसर होगा इसका 165 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितंबर 2001। राइट आंसर होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 166, द मेजर ट्राइबल ग्रुप इन बिहार कंसिस्ट ऑफ। 166 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाल्स। 167 है, इंडियाज फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन 5 टेस्ट मैचेस इज। राइट आंसर होगा 167 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज। 168 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुचेता कृपालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड इन। 169 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। 170, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द कैग सबमिट्स द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 171 है, द सिस्टम ऑफ डायरसी डिसेंट्रलाइजेशन एंड बाई कैमरियल लेजिस्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई
171 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हेन श्री अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। 172 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, एस डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर है 173, हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाला हरदयाल। 173 का बी यानी कि लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 174 है, पंडित मदन मोहन मालवीय वाज द फाउंडर ऑफ। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। 175 है और इसका क्वेश्चन है पॉइंट आउट द रॉन्ग मैचेज। इसका ऑप्शन है मैचेज, द भक्ति मूवमेंट इज इन द मिडिल एज इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाई। 175 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयदेव राजस्थान। तो ये रहा टोटल 175 क्वेश्चंस फॉर ड्यू LLB 2008 का आंसर की। अगर आप चाहते हैं कि आगे के सभी आंसर्स की मिलते रहें 2020 तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करें कि यस हमें जो है चाहिए 2008 से लेकर 2020 तक के सभी वीडियो फॉर्मेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।